नए टैक्स सिस्टम में कुल 70 तरह की छूटों को खत्म कर दिया गया है। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान इनकम टैक्स की दरों में कटौती और टैक्स स्लैब में संशोधन करके सैलरी वर्ग के लिए एक नया टैक्स सिस्टम रखने का प्रस्ताव रखा। हालांकि ये नया टैक्स सिस्टम वैकल्पिक है, मगर कर भुगतान करने वालों को इसका फायदा उठाने के लिए कर छूटों को छोड़ना होगा। नए टैक्स सिस्टम में 5 लाख और 15 लाख रुपए के बीच की आय के लिए 4 नए कर स्लैब पेश किए गए हैं, जिन पर 5 से 25% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। अब ये करदाताओं को देखना है कि वो किस तरह से छूट ले सकते हैं। नए सिस्टम के तहत आपको जिन छूटों को छोड़ना होगा, आज उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। पहला है लीव ट्रैवल अलाउंस, जो कि सैलरी वाले कर्मचारियों को 4 साल के ब्लॉक में 2 बार दिया जाता है। दूसरा है मकान का किराया भत्ता, जो आपके वेतन में शामिल होता है। तीसरा है वेतनभोगी करदाताओं के लिए वर्तमान में 50,000 रुपये की मानक कटौती। अगला है वेतनभोगी करदाताओं को मिलने वाला 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद है आयकर कानून के सेक्शन 16 में मनोरंजन भत्ता और एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल टैक्स के लिए छूट। उसके अलावा होम लोन चुकाने पर मिलने वाला टैक्स बेनिफिट। उसके बाद है आयकर कानून के सेक्शन 57 के क्लॉज II A के तहत फैमिली पेंशन पर मिलने वाली 15,000 रुपये की छूट। उसके बाद है सेक्शन 80C के तहत मिलने वाले क्लेम खत्म हो जाएंगे, जिसमें ELSS, NPS, PPF आदि में निवेश करना शामिल है। नेक्स्ट है सेक्शन 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर क्लेम करके मिलने वाली छूट भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 80DD और 80DDB के तहत विकलांगता पर टैक्स छूट। एजुकेशन लोन पर ब्याज भुगतान पर भी टैक्स छूट खत्म है। सेक्शन 80G के अंतर्गत चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दान पर टैक्स में छूट। ये सभी छूटें अब नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से खत्म हो जाएंगी। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए।